जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है बुढ़ापा पेंशन पर। सुखबीर मलिक ने सरकार को घेरा और कहा 5100 का सपना दिखाने वाले अब बंद कर रहे हैं बुढ़ापा पेंशन। मलिक ने कहा 2 महीने से नहीं मिली वृद्धावस्था पेंशन। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष पानीपत सुखबीर मलिक ने कहा है कि 5000 रुपये महीने देने का वादा कर बुजुर्गों के वोट लेने वाले इन बुजुर्गों का ही शोषण कर रहे हैं। वृद्धावस्था लगभग 90% लोगों की फैमिली आईडी बनने से काट दी गई है, जिसमें परिवार की कुल आय एक सीमा से अधिक होने के कारण देखने से वृद्धावस्था पेंशन बंद काट दी गई है। जबकि पिछले दिनों में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी आश्वासन दिया था कि पेंशन बंद नहीं की गई है, परंतु अभी तक वृद्धावस्था व्यक्तियों को पेंशन दोबारा बहाल नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड कि जिस प्रकार से जिन लोगों की पुरानी पेंशन चल रही थी उनके नाम फिर से जुड़ जाएंगे और जल्द से जल्द उनकी पेंशन बहाल की जाए। भाजपा जेजेपी ने आने पर 5000 करने का वादा तो किया था, पर पूरी तरीके से गौर किया जाए तो अंत में सुखबीर मलिक ने कहा कि अगर सीएम मनोहर लाल खट्टर इन नामों को बहाल नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी इसके विरुद्ध प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों जुड़े रहें, धन्यवाद।